विश्व भर में छाए कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए हिमाचल में भी सभी तरह के आधिकारिक आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक सभी तरह के बड़े आयोजन जैसे मेले, उत्सव और अन्य कार्यक्रम आधिकारिक रूप से नहीं होंगे। इसी के चलते 15 मार्च को मनाए जाने वाला विश्व उपभोक्ता दिवस भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सरकार की प्रशासन की ओर से आई जानकारी में इसके पीछे अपरिहार्य कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी असली वजह कोरोना वायरस का संकट बताया जा रहा है। विश्व भर में छाए कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए हिमाचल में भी सभी तरह के आधिकारिक आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक सभी तरह के बड़े आयोजन जैसे मेले, उत्सव और अन्य कार्यक्रम आधिकारिक रूप से नहीं होंगे। इसी के चलते 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता दिवस भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से आई जानकारी में इसके पीछे अपरिहार्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसकी असली वजह कोरोना वायरस का संकट बताया जा रहा है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि उत्तर के सिद्धपीठ में शनिवार से शुरू होने वाले चैत्र मास मेलों का आगाज भी इस बार आधिकारिक रूप से नहीं होगा। बताया जा रहा है कि एक महीना चलने वाले इन मेलों के आगाज के दौरान होने वाले झंडा रसम में इस बार कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शरीक नहीं होगा। बता दें कि झंडा रसम में हर बार विशेष तौर पर डीसी हमीरपुर शिरकत करते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मेले तो होंगे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी शामिल नहीं होगा। गौरतलब है कि हर माह चैत्र मेलों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से भी बाबा बालकनाथ के भगत ड्योरचित मंदिर में शीश नवाने पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से मेलों की तैयारियों और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं।